Simple English. No confusion. गाइस आज के दिन थिएटर में कुछ ऐसा हाल होने वाला था अपन सबका, क्योंकि आज भाई सालार मूवी को थिएटर में रिलीज करना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। गाइस अगर सालार मूवी का टाइम पर पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता, वीएफएक्स वर्क कंप्लीट हो जाता, तो आई थिंक आज भाई इंडिया सॉरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होता, यानी कि सालार सीज फायर पार्ट वन को थिएटर में एंजॉय कर रहे होते, कुछ इस तरह का हाल होता। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा और गाइस काफी लोगों के मैसेजेस आ गए हैं, कॉमेंट आ गए कि हर्ष भाई प्रशांत नील सर की वाइफ ने यानी कि लकीता रेड्डी ने तो ऑफिशियली लेवल पे रिवील कर दिया है कि जो सालार मूवी है दिसंबर मंथ में 22 दिसंबर को आने वाली, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होने वाला है, तो काफी मोस्टली मुझे काफी लोगों ने बोल दिया है। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बोल देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गाइज रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते आप ही के लिए। गाइज जितने भी सालार मूवी के फैंस है, प्रभास अन्ना सर के फैंस, और अगर आप सालार सीज फायर पार्ट वन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे ना, तो गाइस थोड़ा सा काउंट डाउन रहिए, क्योंकि अब जो होने वाला है ऑफिशियली लेवल पे होने वाला है होमबले फिल्म के द्वारा डायरेक्टर प्रशांत नील सर के तरफ से। तो गाइस अब ये कब होने वाला है, तो आज है 28th of September, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट डे यानी कि 29th of September को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है, यानी कि सालार की ऑफिशियल रिलीजिंग डेट का। क्योंकि गाइज रिसेंटली अभी काफी लोग बोलेंगे कि हर्ष भाई हम कैसे ट्रस्ट कर ले, आप तो हमेशा ही फेक अपडेट देते हो। तो गाइज रिसेंटली 4 दिन पहले तारा नदारद सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियली लेवल पे एक ट्वीट भी किया होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी हाँ, तो यही ट्वीट उन्होंने 4 दिन पहले किया था, जिसमें उन्होंने रिवील किया था कि जो सालार की टीम है होमबोले फिल्म ऑफिशियली लेवल पे 29th of September को इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट शेयर करेगा। तो गाइस कल तक आप लोगों को वेट करना होगा। और गाइस काफी लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि हर्ष भाई डंकी का क्या सीन है, शाहरुख खान सर का क्या सीन है, सालार का क्या सीन है, प्रभास अन्ना का क्या सीन है। तो गाइस जो दोनों की टीम है, यानी कि राजकुमार हिरानी जो कि डायरेक्टर है डंकी के, और प्रभास यानी कि सालार सीज फायर पार्ट के जो डायरेक्टर है प्रशांत नील सर ने, भाई जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में ओवरसीज में, सबको प्रॉपर तरीके से मेल पहुंचा दिया है कि भाई अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब सालार आने वाला। उसी के साथ साथ शाहरुख खान सर की डंकी मूवी की टीम ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी सबको अलर्ट कर दिया कि आप लोग भी अलर्ट हो जाओ, वॉर काफी तगड़ा होने वाला है। गाइस अब जो भी वेट है कल का है, वैसे तो ऑफिशियली लेवल पे अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है 22 दिसंबर को, जिसमें कि काफी तगड़ा क्लैश होने वाला है। देखते हैं गाइस कौन किसको पोस्टपोन करना है करता है, यानी कि सालार होती है या फिर डंकी होती है, देखते हैं। जो भी होगा काफी बाप लेवल पे होगा, और अगर क्लैश हुआ ना तो भाई सब काफी इंपैक्टफुल होने वाला है इंडियन सिनेमा को इस बड़े क्लैश से। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके क्या ओपिनियन है ऑफिशियल रिलीजिंग डेट के अनाउंसमेंट के बारे में, क्लैश के बारे में, जो कि काफी जल्दी महीनों में होने वाला है। अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।